अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना कुरैशी है और मैं पिम्स से रिटायर हुई हूँ। पॉलीक्लिनिक FGSH में से भी काम किया है और अभी डर्मेटोलॉजी में काम करते हुए मुझे 30 ईयर्स प्लस हो गए हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करूँगी जो मेरे तजर्बे में गुजरी हैं। ख़ास तौर पे रिसेंटली हमें इनोसिटोल एंटीऑक्सीडेंट के बारे में अच्छी न्यूज़ मिली है, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो इनोसिटोल जो है एंटीऑक्सीडेंट है और हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी कि हमारे पेशेंट्स एक्नी के जो आते हैं, हेयर लॉस के आते हैं और हेयर ऑन फेस पे उसके भी पेशेंट्स आते हैं, उनके लिए हमें कोई ना कोई हार्मोन्स देना पड़ता था। अभी काफ़ी साल हो गए हैं मैं उनको हार्मोन्स नहीं दे रही हूँ, उनको इनोसिटोल दे रही हूँ 2 ग्राम्स। इनोसिटोल जैसे ये आपके सामने भी पड़ा है फॉलीवेट, इस तरह ये काफ़ी फ़ायदे करते हैं। तो समटाइम्स मैं सोचती थी कि हम एक्नी को बग़ैर हार्मोन्स को ट्रीट किए हुए कैसे ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं मुमकिन होता। जब तक हार्मोन्स ठीक नहीं होते, एक्नी, हिर्सुटिज़म और हेयर लॉस जो है वो ठीक नहीं होता, हेयर थिनिंग हो जाती, लॉस इतना नहीं होता। तो ख़वातीन में बहुत सारी चीज़ें हमारी कॉमन होती हैं, जैसे उनमें आयरन की कमी होती है या वो खाना सही नहीं खा रही होती हैं या कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खा लेते हैं या ज़्यादा फ्राइड फूड खा लेते हैं। तो इन चीज़ों से या रात को जागना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम रात को उस टाइम ना सोएं जिस वक्त हमारी बॉडी में रीजेनरेशन होनी होती है। लाइक सोने से 10 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान अगर हम सोएं तो गहरी नींद आती है, उस गहरी नींद से हमारे हॉर्मोन्स नॉर्मलाइज होते हैं और हमारे सेल्स नए बनते हैं। अगर उसमें रीग्रोथ ना हो तो फिर बाकी सारे दिन की नींद जो है उसको पूरा नहीं करती है। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि फॉलीवेट जो होता है इससे बहुत सारे पेशेंट्स की एक्नी काफ़ी देर तक रुक गई और मुझे तो लगता है कि कई कई महीने, कई कई साल तक रुक गई। अगर मैं उनको फॉलीवेट कुछ महीने के लिए दे दूं तो उससे उनको फ़र्क पड़ जाता है, एंटीबायोटिक्स से जान छूट गई। और दूसरी बात ये कि हमें उनके एक्सेसिव ऑयल्स नहीं रहा, ओपन पोर्स कम हो गए, लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आपको एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती हैं तो बहुत शॉर्ट टर्म देनी पड़ती हैं, इस तरह से हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। हाँ, अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, सही से उसका डायग्नोज हो गया है, यानी हम तो उसको सिम्टम्स पे देख रहे हैं, हमारे पास जब वो आता है तो वो सिम्टम्स के लेके आता है कि जी हेयर ग्रोथ हो गई, एक्नी हो गई, हेयर फॉल हो गया, लेकिन अगर उसको आप डायग्नोज करते हैं तो उसकी कहते हैं ओवेरियन अल्ट्रासाउंड ठीक है, नॉर्मल है, हॉर्मोन्स ठीक हैं, तो ये कैसे हो गया उसके साथ रिलेटेड? नहीं, ये उसकी सिम्टम्स हैं, क्योंकि आपको सिम्टम्स आ रही हैं, हॉर्मोन्स लेवल नॉर्मल्स भी हो सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा हाई हो तो ये बैड न्यूज़ होती है, लेकिन अगर हाई नहीं है और ओवरीज सही नज़र आ रही हैं तो भी हमें फॉलीवेट या इनोसिटोल इस तरह की चीज़ों से डील करना पड़ता है उनको इनिशियली। उसके बाद अगर बढ़ाना पड़े कोई दवाई तो फिर बढ़ानी पड़ती है, इसके साथ वो फ़ायदा हो जाता है। इससे उनकी ओवुलेशन बेहतर हो जाती है, उनका साइकिल बेहतर हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो जाती है, उनका वेट रिड्यूस हो जाता है, एक्सेसिव ऑयल्स इन हेयर और डैंड्रफ ठीक होती है, एक्नी ठीक हो जाती है और उसके पिगमेंटेशन ठीक हो जाती है। मेरा ख्याल है कि मैंने आज इस पर इतना ज़्यादा आपको बता दिया है तो आपको कोई फ़ायदा होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।